गवर्नमेंट का बाबू उसकी तरफ ध्यान नहीं देता, क्यों? क्या उसे खाने पीने के लिए कुछ दे दिया जाए तब वो कार्रवाई होगी, तब उसकी पेंशन बनेगी, तब उसकी ग्रेजुएटी मिलेगी, जब वो रिटायर ही हो गया उसके पास खाने के तो लाले पड़ रहे हैं। सम्मानित साथियों, वो तुम्हारे बाबू को कहाँ से देगा? मैं इसका लेकर मन के चाले धागा ध्यान लगाए, सुख सुख को भेज कर तुम्हारा दर्शन पाए। भगवान वाल्मीकि की जय, जगत पिता वाल्मीकि की जय, आदि धर्म की जय, आदि हिंदुओं की जय, आदि धर्म के सभी महापुरुषों की जय, जो हो ये सोम भे भगवान वाल्मीकि महाराज की जय। कर्मचारी एकता आगे फेस करके, आगे फेस करके, आगे फेस करके पहले जला लें तो फिर बाद में। सो निर्भय हिंदू इंद्र सम्राट राजकुमार टुकराल के महाराज की जय। कर्मचारी एकता जिंदाबाद। मैं मीडिया का भी आभार व्यक्त करूंगा, दूर मेरे भले हमें रोजगार देते रहते हैं मीडिया के माध्यम से। मैं जीना चाहते हैं हम भी, वही चीजें जो हम पहले कह रहे थे, हम भी जीना चाहते हैं। सीवर में उतरने वाला सफाई कर्मचारी और बम निरोधक दस्ते का कर्मचारी में कोई अंतर नहीं है। जैसे बम को डिफ्यूज करने के लिए जो कर्मचारी होता है उसकी मौत की कोई गारंटी नहीं होती, ऐसे ही सीवर में होता सचिव जो पूरे उत्तराखंड के देवभूमि उत्तराखंड सफाई कर्मचारी की रीढ़ है, भाई गोविंद दास जी। मेरे साथ 2003 से 2008 तक हम दोनों को एक साथ नगर पालिका अध्यक्ष होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और हम दोनों ने इस लड़ाई को बहुत करीब से देखा है। ऐसे मेरे छोटे भाई रुद्रपुर विधायक राजकुमार ठुकराल जी इस सफाई कर्मचारी संघ के संघ संस्थापक बाकेलाल जी, प्रदेश अध्यक्ष राहत मसीह जी, बहुत ढेर सारी बधाइयां और बार बार धन्यवाद करना चाहूंगा। साथी मंच पे ही आसीन नगर निगम काशीपुर महापौर माननीय उषा चौधरी जी, मंच पे ही आसीन मेरे पिता तुल्य देवभूमि उत्तराखंड सफाई कर्मचारी संघ के संस्थापक वाघेलाल बिहारी जी, मंच पे ही आसीन देवभूमि उत्तराखंड सफाई कर्मचारी संघ के प्रदेश महामंत्री गोविंद डांग जी के अंदर बैठे हैं। माननीय मेयर महोदय साहब, आपको बताना चाहूंगा इस काशीपुर नगर निगम के अंदर जो वाल्मीकि समाज के अंदर जो हमारे समाज के लोग हमारे साथ सोचा कर रहे हैं, देवभूमि उत्तराखंड सफाई कर्मचारी संघ का एक संगठन एक बैनर तैयार हुआ 20 मई 2018 को, जिसे बने हुए अभी 6 महीने पूरे हुए हैं और 6 महीने में छोटा बच्चा होता है, जो बच्चा अभी चलने लायक नहीं है, लेकिन ये बच्चा देवभूमि उत्तराखंड सफाई कर्मचारी संघ का जो नेतृत्व चला है ये खड़ा होकर पूरे प्रदेश में दिखा दिया है, ये बच्चा नहीं, ये बुजुर्ग भी है और नौजवान भी है, ये सब कुछ है। आज की डेट में काशीपुर के अंदर आपके संज्ञान में डालना चाहता हूं कि कुछ लोग आपको हमारे प्रति जो गलत बात बताते हैं इसमें केवल कर्मचारी है, जो कि 17 मई 2017 को राधा रतौड़ी के मुख्य सचिव रहते थे और तुम्हारे आंसू इनकी आंखों से निकल सकते थे, तुमने चाहा कि नहीं हालात बदल सकते थे, तुम्हारे आंसू इनकी आंखों से निकल सकते थे, अरे तुम तो ठहरे ही रहे झील के पानी की तरह, दरिया बनते तो दूर निकल सकते थे, तुमने चाहा। नमः 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 नमः
इसकी महापंचायत में इस नगर निगम सभागार में इस महानगर की प्रथम नागरिक तीसरे श्री राहत मसीह जी, आपके संघ संस्थापक बुजुर्ग श्री बांकेलाल बिहारी जी, आपके महामंत्री श्री गोविंद टाक जी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष भाई अजय बंगू जी, का मुकाबला किया था आप लोगों ने, पूरी ताकत दी थी आप लोगों ने, वो काम किया था जिससे आज तक रुद्रपुर में अमन चैन और शांति है। शहर को जलाने की योजना थी, आपने बचाया। मैं तो आपके आगे नतमस्तक हूं, समाज के आगे। 2003 से 2008 तक मैं रुद्रपुर का चेयरमैन था। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की पहली नगर पालिका थी राहत मसीह भाई, जिसमें भगवान वाल्मीकि की मूर्ति हमारे द्वारा मेरी मां की ओर से स्थापित की गई थी। यहां पर बहुत सारे नौजवान आए हैं, 120 लोगों को मैंने रोजगार दिया था और आज सौभाग्य से उसमें से 85% से अधिक परमानेंट हो गए, पक्के हो गए। क्यों लक्ष्मण भाई जी, हो गए कि नहीं हो गए? जो लोग रुद्रपुर से आए जरा वो भी हाथ खड़ा कर दे, मैं देख लूं उनको। देखिए सब लड़के परमानेंट हो गए। क्या किसी ने आपसे एक कप चाय पिया? बोले भाई, क्या किसी ने आपसे एक कप चाय पिया? कोई पैसा देना पड़ा आपको? देखो हमने वो कब बनाया और उपेक्षाओं का शिकार ये वाल्मीकि समाज निरंतर, लेकिन आज उत्तराखंड राज्य की सरकार जिन्होंने घोषणा भी की है वो निरंतर इनके बारे में चिंता व्यक्त कर रहे हैं। और मैं आपको इतना बताना चाहता हूँ, आज इस महापंचायत से जो भी रिजल्ट निकलेगा उसको मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराऊंगा। 11 फरवरी से विधानसभा सत्र है, उस सत्र के दौरान सारे मिनिस्टर, सारे अधिकारी, माननीय मुख्यमंत्री उस समय देहरादून में मौजूद होंगे और इनके शिष्टमंडल से बैठ के वार्ता कराई जाएगी। और जितना भी होगा उस महापंचायत में निकला हुआ आज का मंथन, उसको मैं माननीय मुख्यमंत्री को अवगत कराते हुए इनकी पूरी पैरोकारी करूंगा, ताकि इस समाज को वास्तव में ऊंचा उठना चाहिए, इनको भी जीने का मौका मिलना चाहिए, इनका भी जीवन स्तर ऊंचा उठे, ये मेरा प्रयास रहेगा। और वास्तव में जो प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत बड़ा काम किया है, माननीय उच्चतम न्यायालय ने, सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा था कि ये जो कानून है SC ST वाला, इसके बारे में पुनर्विचार करें, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किया आज तक दुनिया के इतिहास में, अनुसूचित जाति के व्यक्ति के लिए वो काम किसी माई के लाल ने किया, इनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए 12 नए कठोर प्रावधानों के साथ अनुसूचित जाति SC ST एक्ट को और मजबूत करके आपको समर्पित किया। आज इस समाज को, समाज के अंदर जीने का मौका मिलना चाहिए। क्यों इनको मंदिरों में प्रवेश के लिए रोक दिया जाता है? क्यों इनको जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करके अपमानित किया जाता है? इन लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठना चाहिए। समाज के प्रमुख नागरिक है, इनको भी वोटिंग पावर है, हमको भी वोटिंग पावर है, और हिंदुओं के सच्चे हित रक्षक अगर कोई है तो ये वाल्मीकि समाज है। इतना मैं दावे के साथ कहना चाहता हूँ आपका। देखिए ठेका प्रथा हो या अन्य माध्यम से इनका व्यापक हित, जिसमें इनके सारे फंड हर महीने निकलने चाहिए, इनका लाभ किस प्रकार से हो, इनका जीवन 6,000 रुपए के अंदर किसी परिवार का भला नहीं होता, मात्र 6,000 रुपए से एक आदमी की रोटी पूरी नहीं होती है, वो बच्चों को पढ़ाएगा लिखाएंगे कहाँ से? लेकिन हमारे महापौर और हमारी सरकार इस दिशा की ओर काम कर रही है। प्रधानमंत्री जी ने बहुत गरीबी देखी है, प्रधानमंत्री जी ने सारी सरकारों को निर्देश दिए कि जो गरीब व्यक्ति उनका जीवन स्तर ऊंचा उठे, इनको भी बीमे की धनराशि मिलनी चाहिए, इनको भी उज्ज्वला गैस का सिलेंडर मिलना चाहिए, इनको भी सौभाग्य योजना के माध्यम से निःशुल्क बिजली का कनेक्शन मिलना चाहिए, और इनके परिवार में भी इलाज के अभाव में कोई दम न तोड़े, इसलिए प्रधानमंत्री अटल आयुष्मान योजना के तहत इनके भी गोल्ड कार्ड बनने चाहिए और इनका ट्रीटमेंट बिल्कुल फ्री होना चाहिए। सर क्या आपको सुनने के बाद मेरा जो आत्ममंथन कहता है, आज तक वाल्मीकि समाज को उचित नेतृत्व नहीं मिला, जो नेतृत्व मिला उन्होंने को अंधेरे में रखा, आज ये लोग निकल कर आए, इनको किसी भी राजनीतिक दल से कोई मतलब नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उनके आगे भी आग्रह कर रहे हैं और ये कोई भी सरकार होगी उसके आगे आग्रह करेंगे, और एक सीमा तक ही आग्रह किया जाता है, और मैं चाहता हूँ इनके आग्रह को पूरी समुचित व्यवस्था के साथ, सहृदयता के साथ, निवेदन के साथ मैं आदरणीय मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को अवगत कराऊंगा। थैंक यू।